हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूपीएसआई 2021 की आंसर की के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की ऑफिशियल आंसर की जल्द भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होने वाली है। भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है आंसर की को लेकर। तो आप लोग ये मान के चलिए 10 दिसंबर से पहले जो है आंसर की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि आंसर की के आने से पहले आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो काम है आपको ये करना है कि आपको आपके जो यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम दिए हुए कैंडिडेट हैं उनके साथ एक ग्रुप में जुड़ जाना है। और हमारे पास भी एक यूपीएसआई के कैंडिडेट का ऐसा ही ग्रुप है जिसमें बहुत सारे यूपीएसआई के कैंडिडेट ऑलरेडी ऐड हैं। तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इससे फ़ायदा आपको क्या होने वाला है कि अगर जैसे ही यूपीएसआई की आंसर की आती है, आप अपना जो भी क्वेश्चंस हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद एक या दो क्वेश्चन पर आपको ऐसा लगता है कि इस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आप जो है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पर उपलब्ध जो भी कैंडिडेट हैं वो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देंगे कि आपको इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, मैं भी आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा कि आपको उस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये मानना है कि क्या मुझे रनिंग की अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रनिंग के लिए आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत ज़्यादा रनिंग करनी है। अभी सिर्फ आपको ये करिए, एक अपना शेड्यूल बना लीजिए। सुबह को मॉर्निंग में जैसे भी आपको उठना है उस हिसाब से आपको एक समय से उठना है, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, क्योंकि सर्दी हो रही है तो 6-7 बजे आप उठ सकते हैं। और 7 बजे उठने के बाद आप डेली ग्राउंड में जाने की आदत डालिए, क्योंकि होगा क्या, अगर मान लिया आंसर की आने के बाद आप जो है ये सारा शेड्यूल फॉलो करेंगे और आपने कई सालों से हो सकता है कई महीनों से आपने फिजिकल वर्क ना किया हो, तो हो सकता है आपकी जो हेल्थ ख़राब भी हो जाए, यानी आप बीमार हो जाए, तो उसमें आपके आने वाले 4 या 5 दिन ख़राब हो। तो इससे बढ़िया आप जो है अभी शेड्यूल फॉलो कीजिए, सिर्फ 6-7 बजे आप उठकर जो है ग्राउंड पर जाना शुरू कीजिए, 1-2 चक्कर लगाइए, घूमिए, टहलिए, वॉक कीजिए, ये सब कीजिए, हल्का मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, 6-7 दिन अगर आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो उससे आपकी बॉडी रनिंग में आ जाएगी थोड़ा सा। उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। आपको रनिंग की तैयारी के लिए जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करना है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है, आपको टाइमर के साथ दौड़ना है, ये नहीं कि किलोमीटर के हिसाब से। पहले आपको 15 मिनट 10 मिनट से शुरुआत करनी है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट और बॉयज़ के लिए 30 मिनट तक की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए नॉन स्टॉप दौड़ने की। ठीक है, आप अगर 30 मिनट लगातार दौड़ पाते हैं तो ये यकीन मानिए बॉयज़ में 28 मिनट की जो रनिंग है आप जो है 26 मिनट या 25 मिनट में बहुत ही आसानी से, तो बहुत मतलब जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, अगर वो 15-20 दिन ढंग से शेड्यूल के साथ जो तैयारी कर लेगा तो वो आसानी से जो है रनिंग क्वालिफाई कर जाएगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनको 16 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी है, तो उनको भी यही करना है, 16 से 20 मिनट आपको नॉन स्टॉप दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। और अभी सिर्फ यही करिए कि आप सुबह उठिए और सिर्फ 1-2 चक्कर ग्राउंड के लगाइए और सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज और वॉक वगैरह करिए। ठीक है, जितना आप चल सकते हैं उतना चलिए, बस चलने पर फोकस कीजिए। बाकी अभी रनिंग का अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है जिससे कहीं आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको शरीर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर की जैसी आती है आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मिलाना है, जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करना है उन क्वेश्चंस को हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करना है। ठीक है, जो भी आपको समस्या लग रही है वो लिख दीजिएगा, ताकि उसको वेरीफाई करके हम आपको बता दें कि इस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको जो है DVPST के लिए रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट की डेट से 6 या 7 दिन या 10 दिन हद से हद जो है बाद आपकी रनिंग हो जाएगी, तो आपको वहाँ ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। रनिंग आपको इसी दौरान करनी होगी जब आपका DVPST का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रनिंग आप उस दौरान कर रहे होंगे, DVPST के दौरान 1 या 2 दिन आपके उस समय ख़राब होंगे, क्योंकि आपका जो DVPST होगा वो अपने ज़िले में नहीं होगा, आपके दूसरे किसी मंडल ज़िले में होगा, तो वहाँ पर आपको जाना होगा। तो रात में आप निकलेंगे, अगले दिन आएंगे, तो 2 दिन लगभग आपके ख़राब होते हैं इसमें, तो उस समय आपको रनिंग की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो रनिंग अभी से आप तैयारी करते रहिए,
भर्ती बोर्ड की पूरी तैयारी है कि आपका DBPST जो है जनवरी में कंप्लीट करा दिया जाएगा, और फरवरी में तैयारी ये है कि रनिंग भी करा दी जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल लगे रहिए, और जो मैंने आपको बताया है आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे UBSI के कैंडिडेट ऐड हैं, तो उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी शिफ्ट के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके साथ आप जुड़ जाइए, जिससे फ़ायदा ये भी होगा कि आने वाले समय में आपके जो भी जितने नंबर आ रहे होंगे उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट के मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर कितने आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये समझिए नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर्स का लॉस हो सकता है, अगर कम आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो ये सब आपको करना है, इसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा था। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप का मैंने लिंक दिया है उससे आप जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।